अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे। तो भाई आज हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो साद भाई के दिमाग में एक बहुत ख़तरनाक सवाल आया। तो आज हम चलते हैं साद भाई की तरफ और सवाल पूछते हैं और फिर बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माधवी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। कैसे हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे तो कुछ डिस्कशन चल रही थी हम लोग की आपस में। तो आजकल एक मूवी नई रिलीज़ हुई है जिसका नाम आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं उस मूवी से, उसका नाम है एनिमल। अच्छा, तो बात कुछ इस तरह की है कि एनिमल जो है बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, जो बाज़ाहिर सबको नज़र भी आ रहा है, काफ़ी रिकॉर्ड्स वगैरह इसने तोड़ दिए। लेकिन ना एक सवाल यहाँ पे बड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मैंने आज असल में सोशल मीडिया थोड़ा सा मैं वो देख रहा था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ आज नोटिस की कि इंडिया के अंदर जो है ना कांग्रेस की एक लीडर है, तो उन्होंने पार्लियामेंट हो या कुछ भी हो वहाँ पे असेंबली में उन्होंने वहाँ पे एक बात ये कही है कि इसके अंदर आदमी औरतों के ऊपर जो है ना वायलेंस बहुत ज़्यादा शो की है इस मूवी के ऊपर, यानी कि उन खातून ने ये एलिगेशन लगाया। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी देख रही थी और उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो उसने मूवी बंद कर दी। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हो रही है मूवी, जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, उसी तरीके से मतलब रेशो जो है ना सेम है, 50-50 मेरे ख्याल से है कि मतलब 50% लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको और 50% जो है ना इस मूवी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इसी वजह से वायलेंस वगैरह की वजह से जो औरतों के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही और बहुत से लोगों को अच्छी भी लग रही है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल रीसेंट डेज़ के हवाले से सवाल किया है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इंसान की फितरत होती है कि वो जब इंसान पैदा होता है उसकी फितरत में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि शर। खैर इंसान को सीखनी पड़ती है। इंसान, आपने देखा है बच्चे को, कभी छोटे बच्चे को देखा है कि कभी आप उसको कोई चीज़ दो तो वो क्या करता है कि अपनी चीज़ देगा नहीं, अपनी चीज़ देने से रुकेगा। बुग़्ज़ यानी कि कंजूसी, बुखील होना, ये इंसान की फितरत में होता है। रहम दिली और सखावत इंसान सीखता है। इंसान फितरतन शर अल्लाह ताला ने डाला है, नफ्स जो साथ लगाया है वो इंसान को शर पे आमादा करता है। देखो बात सारी यह है कि यही एक बुनियादी फ़लसफ़ा है जो इस नफ्सियात को उजागर कर रहा है इस फिल्म के थ्रू। फिल्में तो बहुत सारी आती हैं, वायलेंस तो बहुत ज़्यादा फिल्मों में है। इस फिल्म में तो शायद इतना वायलेंस है भी नहीं जितना वायलेंस जो हॉलीवुड वगैरह में और यूरोप में जो फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उसका तो शायद 10% भी इसमें वायलेंस नहीं है। सवाल यह है कि हमारी सोसाइटी ना इस तरह की फिल्म की आदी नहीं है और ये कुछ ज़्यादा हाइप ले गई, कमर्शियल फिल्म हो गई, बहुत ज़्यादा हाइप ले गई इस वजह से। देखो इसमें ये कोई फ़लसफ़ा काम कर रहा है, बुनियादी फ़लसफ़ा, कि खैर सीखना है, शर आपके अंदर मौजूद है। अब ये लोग, अब ये देखना ये फ़िल्म किसको पसंद आ रही है। ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आ रही होगी मर्दों को और ना पसंद करने वालों में औरतों का रेशो ज़्यादा है। जैसे हमने कांग्रेस की लीडर बताई वो भी खातून ही है। एग्जैक्टली, ये खवातीन को कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी क्योंकि अल्लाह ताला ने सिन्फ़ नाजुक के अंदर कुछ चीज़ें मर्दों से अलग रखी हैं। मिसाल के तौर पर औरतें जो होती हैं उनके अंदर बर्दाश्त का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जब प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि एक प्रेगनेंसी का दर्द ये होता है कि इंसान के पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़ दी जाएं, यानी कि अपने मौत के मुंह से आती है। यानी कि अगर अल्लाह ना करे किसी खातून का इंतकाल हो जाए इस हालत में तो शहीद का रुतबा, इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने रखा है। इसी तरह औरत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये ना आबगीने हैं, इन्हें बड़े प्यार से डील करना पड़ता है। क्या है कि इन्हें, इनसे नरमी से भी डील करना पड़ता है और इनसे प्यार मोहब्बत से डील करना पड़ता है, वरना ये क्या करती हैं, ये बहुत ख़तरनाक होता है मामला इसके आगे जाके। इस फिल्म का भी सीन यही सीन है कि मर्द जो है ना फितरतन उसके अंदर एक वायलेंट नेचर होती है, एक वायलेंट जो था ना इमेज अंदर चल रहा होता है इंसान के, वही इस मूवी में निकल के सामने आया। अब हमारी क्या है, मैं बहुत अंदर से वायलेंट हूँ, शर्म मेरे अंदर भरा हुआ है, मैं ज़ाहिर तो सोसाइटी की जो सख्तियाँ हैं, लॉज हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनके तहत मैं ये काम नहीं कर सकता, शर्री काम या लड़ने या झगड़ने वाला मार कुटाई का काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि लॉ मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि इन फिल्म्स के ज़रिए, वीडियो गेम्स के ज़रिए अपनी तस्कीन को सुकून पहुंचाते हैं, तस्कीन हासिल करते हैं। इसीलिए इस फिल्म को मर्द ज़्यादा पसंद कर रहा है, इन्होंने जो चीज़ वो खुद कर नहीं सकते वो फिल्म के थ्रू अप्रिशिएट कर रहा है। इस सबसे बड़ा इस एक बंदे का कमेंट मैंने सुना था, उसने ये कहा कि ये फिल्म देख के मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो गया। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है, मर्दों के अंदर एक एंजाइम होता है जो मर्दों की जो ना मर्दानगी वाला जो वायलेंस वाला जो एक नेचर होती है अंदर से, हाँ नहीं इमेज होता है वो निकल के सामने आता है, तो वो कह रहा है मेरा हाई हो गया टेस्टोस्टेरोन। अब सवाल ये है कि
इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि ये इंडिया का नॉर्म्स नहीं है, इंडिया के अंदर नॉर्मली इस तरह की मूवीज बनती नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मूवी अलार्मिंग है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल अलार्मिंग है। ये सोसाइटी को, अगर मैंने मूवी देखी है, सिर्फ मैंने क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मूवी देखी है, ये मूवी एक टॉक्सिक मूवी है। इंडियन माशरे की भी ये सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी, उसका भी ये नॉर्म्स नहीं है कि वो इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करें, या वहाँ की खवातीन भी, बड़ी खवातीन दुनिया में कहीं पर भी हो, वो कभी भी इस तरीके के वायलेंस को पसंद नहीं करती। और मैं तो कहूँगा कि इंडियन जो फिल्म मेकर्स हैं उनको इस तरह की फिल्म बनाने से अवॉइड करना चाहिए, सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। एक इंडियन सोसाइटी एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी है, पूरी दुनिया सोसाइटी से सीखती है। वो अपनी खवातीन का एहतराम करना जानते हैं, वो माओ का एहतराम करना जानते हैं, वो अपनी बहनों का, अपने घर वालों का, अपनी बीवियों का एहतराम करने वाली सोसाइटी है। यही तो खूबसूरती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक की, कि ये लोग अपने खवातीन को एक मुकाम देना जानते हैं और एक इज्जत देना जानते हैं। इस फिल्म में टोटल ऐसा वायलेंस इतना ज़्यादा कि मर्दी से जो चाहे कर रहे हैं मामलात, ना कोई बाप का एहतराम, ना कोई माँ का एहतराम। बाप का एहतराम दिखाया तो अजीब बेवकूफ़ी का एहतराम, दुनिया में कोई भी बेटा अपने वालिद का ऐसे एहतराम नहीं करता है कि बाप से पूरी तरह अड़े भी और बाप का एहतराम भी करे, ऐसा कहीं भी नहीं होता, ना हमारी सोसाइटी में होता है भाई, ना इंडिया की सोसाइटी में होता है। तो मेरा तो मैसेज है इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कि भाई अच्छी फिल्मों को देखने से अवॉइड करें, और दूसरी बात है कि इंडियन फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाना बंद करें। अच्छा अभी ये तो चले, एक बड़ी उम्र की खातून थी जो जिन्होंने जाके वहाँ पे असेंबली में बात की है, लेकिन असल जो मूवी देखी थी ना उनकी बेटी ने देखी थी, वो बेटी जो थी ना शी इज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, डिप्रेशन में आ गई होगी। एग्जैक्टली, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कि वो बंदी कॉलेज की है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, और उसने जो है बंद कर दी मूवी के, यार ये क्या दिखा रहे हैं। मैंने जब ये फिल्म देखी नहीं थी तो उससे पहले मैंने रिव्यूज इसके देखे थे, जो आपके देखे ना कि जो व्लॉगर्स होते हैं जो जाके पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं सिनेमा से निकलने वालों के बाद, तो मर्द तारीफ कर रहे हैं और औरतें इसकी बुराई कर रही हैं। अच्छा भाई, जब आपके घर जो खवातीन है ना, आपके घर की वो समझ लो मालिक है, घर बनता ही औरत से है, क्योंकि मर्द क्या होते हैं, बाहर होते हैं। आपको आपको बेटे का रुतबा देने वाली, आपको शौहर का रुतबा देने वाली, आपको भाई का रुतबा देने वाली औरत होती है, आपके घर को घर बनाने वाली औरत होती है। और खवातीन का एहतराम हमारी प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगा, इंडियन सोसाइटी हो, पाकिस्तान की सोसाइटी हो, या दुनिया की कोई सोसाइटी हो, इस पर सोचना पड़ेगा। भाई आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और सवालात जो थे वो साथ भाई ने आज की, तो भाई साफ सीधी सी बात यही है कि हमें भी औरतों की इज्जत करनी चाहिए और आप लोगों को भी औरतों की इज्जत करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।